हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस, जो हम देखेंगे डाइस रीडिंग के जरिए। डाइस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि उनके लिए, उनकी तरफ से आपके लिए ट्रू इंटेंशंस क्या है। जितना देखेगा मैं बताऊंगी, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, साथ ही साथ जनरल रीडिंग है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, और मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। मैं चाहूंगी आप इस डाइस को फोकस करें, इनके शफलिंग के टाइम पे भी आप अपने पार्टनर का ध्यान करें। व्यूवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स, एक सेकेंड, हाँ मैं यहाँ पे देख रही हूँ लाइटिंग थोड़ी ज्यादा हो गई है। व्यूवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के ट्रू इंटेंशन, जिस व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिनका नाम दोहरा रहे हैं, उस व्यक्ति के ट्रू इंटेंशन इनको लेकर क्या है। ओके, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो एरीस राशि, कैंसर राशि और वर्गो राशि के, लिब्रा राशि के, एक्यूरस राशि के हो सकते हैं, मकर राशि के हो सकते हैं, स्कॉर्पियो राशि हो सकती है, टॉरस हो सकती है, और साथ ही साथ इनके नंबर्स में 22 नंबर, 22 हो सकता है, नंबर 4 हो सकता है, ये नंबर 31 भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नंबर 13 है, 13 नंबर है, और उसके अलावा नंबर 5 है, 5 रिफ्लेक्ट हो रहा है, 17 रिफ्लेक्ट हो रहा है, ओके 20 रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये कुछ नंबर्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति का इंटेंशन, ये नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैं सबसे पहले बता देती हूँ, या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी देख सकते हैं। सो इस व्यक्ति का इंटेंशन आपके लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति डेफिनेटली आपसे लव में है, ट्रू लव है। कहीं ना कहीं इस इंसान को जिस तरीके की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ, ये व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी है। ये व्यक्ति हूबहू आप जैसा फील करते हैं, जैसे आप इनको लेकर फील करते हो वैसी ही एनर्जी इनके अंदर भी है। काफी स्ट्रांगली ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में किसी दोस्त की इन्वॉल्वमेंट है, किसी परिवार की इन्वॉल्वमेंट है, किसी की दखल जरूर है इस रिलेशनशिप में, या बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप से, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि दिक्कत तो है, किसी से इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, और या तो ये अपनी स्टडीज को लेकर इतना ज़्यादा स्टूडियस है, इतना ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई में इंटरेस्टेड है, जिसके वजह से ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, बिजनेस या पढ़ाई वढ़ाई में ज़्यादा इनका ध्यान है इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, यानी कि प्रायोरिटी, यानी कि सबसे ऊपर नहीं रख रहे हैं इस वक्त। इन्होंने आपको जो है बहुत ही एक उतना ऑप्शनल जगह पे रखा है, जैसे कि ठीक है इसको बाद में देख लेंगे, या इससे बाद में देखा जाएगा, या कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति को आप कुछ जरूरत से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिखाते हो, जिसके वजह से भी ये व्यक्ति आपको बहुत लाइटली या हल्के में लेते हैं। मतलब इनको लगता है कि आप समझ जाएंगे, आप अंडरस्टैंडिंग है, आप उनको लिए इनको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आप इनकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसको अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे, आप मैच्योरिटी दिखाएंगे, आप समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। हो सकता है ये व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि अगर ये बात नहीं कर रहे तो आप अच्छे से समझेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं समझ जाएंगे कि ऐसा जानबूझ के हो रहा है, या चांसेस है कि कोई इनका फ़ोन चेक कर रहा है, बहुत स्ट्रांग चांसेस है कि इनका कोई फ़ोन चेक कर रहा है, इसलिए ये आपको फ़ोन भी नहीं करते या मैसेज नहीं करते, और अगर मैसेज का रिप्लाई आता है तो बहुत रूड आता है, बहुत रूड, क्योंकि ये इसीलिए ऐसा करते हैं क्योंकि कहीं आप ज़्यादा मैसेज ना करें और कोई सामने वाला पढ़ ना ले, क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति ज़रूर आपके पार्टनर का फ़ोन यूज़ कर रहा है, ये स्ट्रांग पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, बहुत स्ट्रांग। कोई दखल दे रहा है या फ़ोन चेक कर रहा है, किसी को अथॉरिटी है बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के फ़ोन में घुसने की, किसी को बहुत अथॉरिटी है, या ये व्यक्ति का ऐसा कुछ एनर्जी है जिसमें इनको डर है कि इनकी कोई चोरी ना पकड़ी जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये इसी वजह से आपके साथ थोड़े से डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस वाली एनर्जी बनी हुई है यहाँ पर इस व्यक्ति की एनर्जी में। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में, देखो यार ये व्यक्ति ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव है। ये व्यक्ति आपको अपनी लाइफ में कभी जाने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए, साम दाम धन भेज, 50 चीज़ें हो जाए, प्रॉब्लम्स आए, हो सकता है टेम्प्ररी आप लोग दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाए, हो सकता है कि आप लोग थोड़े टाइम तक एक दूसरे से बात नहीं करें, या इस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाए या इशूज हो जाए, लेकिन कुछ भी हो घूम फिर के वापस आप लोग कनेक्शन में ज़रूर आएंगे, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर आपको परमानेंटली छोड़ नहीं सकते, वो चाहकर भी आपको हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते, ये उनसे होगा ही नहीं, ये आपसे डिटैच नहीं हो सकते, और ना ही आपसे
दूर जाने के बारे में ये दूर दूर तक कहीं सोचते हैं। मुझे व्हाइट शर्ट दिखाई दे रही है, हो सकता है आपने पहनी हो, थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना अगर आपने पहन रखी है तो, या हो सकता है ये आजकल व्हाइट शर्ट बहुत ज़्यादा पहन रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपसे डिटैच नहीं हो सकते, क्योंकि ये इमोशनली आपसे बहुत अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना, अगर समझो कल को, आई डोंट नो आप मैरिड हो नहीं हो, बट अगर आपकी कल को किसी और से भी मैरिज होगी ना, तब भी आपको नहीं छोड़ेंगे, या आपके पास ही, आपके इर्द गिर्द ही रहना पसंद करेंगे। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, और ये आपको बुद्धिमान मानते हैं, इनको लगता है बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, किसी के कंपैरिजन में ऐसा सोचते हैं, ये किसी से कंपेयर करते हैं और वो सोचते हैं कि वो इतने मैच्योर या इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं है जितने आप हो। आप हर चीज़ में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, पर वो सामने वाले लोग इनके लिए इतने कॉम्प्रोमाइज़ या इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं है। बट कहीं ना कहीं आप ध्यान रखना इस बात का, इसी वजह से आपके पार्टनर कई बार आपको हल्के में भी लेते हैं। आपका ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना और रिएक्ट ना करना भी कभी कभी आपके लिए भारी पड़ जाता है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपको लेकर यूनियन में ज़रूर आएंगे, यूनियन के एनर्जी में मुझे ज़रूर दिख रहा है, और यहाँ पर मुझे बच्चा दिख रहा है। या तो ये व्यक्ति आपसे बच्चा चाहते हैं, या आपको बच्चे जैसा, मतलब अपना, अपने बच्चे जैसा कंसिडर करते हैं, मतलब एक आपके प्रति प्रोटेक्टिव एनर्जी बन जाती है, यानी कि ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हर तरीके से, हर तकलीफ से। और या तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ इंटिमेसी बहुत इंजॉय करते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ जो रोमांटिक एनर्जीज़ होती हैं वो बहुत इंजॉय करते हैं, आपके साथ बैठना उठना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कहीं ना कहीं आपके साथ जब होते हैं तो काफ़ी इनको लगता है कि कुछ ना कुछ जैसे इनकी लाइफ में इनकी ग्रोथ भी होती है आपकी वजह से, और कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ जैसे कोई नॉलेज मिल जाता है, ऐसा लग रहा है विजडम या ज्ञान बढ़ता है। कहीं ना कहीं आपसे कुछ बात करने में कुछ चीज़ें इनको समझ में भी आती हैं, अपनी लाइफ को लेकर कोई क्लैरिटी भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि पर्पसली आप लोग दोनों के बीच में ऐसी कोई बात होती है, बट ऐसा है कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप लोग दोनों में कभी भी कोई कम्युनिकेशन होती है तो इनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती है माइंडसेट में, कि अच्छा ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, वो चीज़ वैसी होनी चाहिए थी, मतलब काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ आ जाते हैं। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि ये व्यक्ति और आप एक ही वर्किंग प्लेस पे हैं, साथ में ही काम करते हैं, जिसके वजह से मुझे ये क्रिएटिविटी काफ़ी दिख रही है। ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक्सप्रेसिव नहीं है, ये ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं जानते, इनको काफ़ी क्लोज्ड ऑफ रहने की एनर्जी है, मिस्टीरियस एनर्जी ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति खुलकर ओपन अप होकर आपसे कुछ भी शेयर नहीं कर पाते, या ओपन अप होकर शेयर, मतलब ऐसे तो ये सब बातें शेयर करते हैं, बट जो इनकी लाइफ में होता है ना, ये एक मिस्ट्री है। आप हमेशा इनको लेकर क्यूरियस रहेंगे कि यार कुछ तो है जो ये इंसान मुझे खुलकर नहीं बताता, या कुछ तो है जो ये छुपाती है। इनकी, इनके ऊपर ना एक ट्रस्ट का आपको हमेशा, मैं ये कहूँगी आप ट्रस्ट तो फिर भी करते हो, बट एक होता ना कि ये व्यक्ति कुछ छुपा रहा है, या मिस्टीरियस एक एनर्जी है ना, वो ज़रूर फील होती है इनके साथ आपको बहुत ज़्यादा। और प्लस ये आपके पार्टनर इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, और ये इंटेंशनल, इनके इंसाइट्स बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत जल्दी भाप लेते हैं। अगर आप किसी, बोलते हैं ना, नए व्यक्ति से या किसी भी नए इंसान से बात कर रहे हो या कुछ रॉन्ग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जल्दी भाप लेते हैं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा दिमाग से शार्प है, माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, बट अंदर से बहुत लोनली है, बहुत अकेलापन है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा अकेलापन। ये अंदर से बहुत अकेले हैं, बट एक पार्टनर बहुत अच्छे हैं, ये रिलेशनशिप्स में पार्टनर बहुत अच्छे हैं, और इसकी वजह से भी आप इनको नहीं छोड़ पा रहे, बिकॉज इनका स्वभाव, इनका नेचर बहुत अच्छा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति दो चेहरे लेकर घूमते हैं, कहीं ना कहीं दो चेहरे हैं। एक चेहरे में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड, बहुत लविंग, केयरिंग, एक रोमांटिक इंसान है, और दूसरा चेहरा बहुत पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल और बहुत मैन्युपुलेटिव है। इनको समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि कब ही कौन सा चेहरा लेकर आपके सामने खड़े हैं, कब कौन से चेहरे के साथ ये आपसे बात कर रहे हैं। मतलब इसी वजह से आप इनको लेकर हमेशा मिस्ट्री फील करते हो, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड फील करते हो, बट ये व्यक्ति आपसे इमोशनली अटैच बहुत है। ये हमेशा आप याद रखना, चाहे 50 गलतियां हो जाए इनसे, लेकिन ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है। ये आपको सुख में दुख में, बोलते ना कि एक हर समय याद बहुत करते हैं, ये आपसे कनेक्टेड बहुत है, सच्चा प्यार है। लेकिन यार आज के सच्चे प्यार की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है पहले टाइम के सच्चे के प्यार से। पहले के टाइम में ना सच्चा प्यार मतलब सुख दुख में साथ देना, एक दूसरे के प्रति सपोर्ट रखना, बट आज की डेट में ऐसा है ना कि सच्चा प्यार ऐसा है कि यार ठीक है मन में इमोशंस हैं, बट रख रख के, एक होता नहीं कि थोड़े टाइम के बाद रिलेशनशिप टूटते हैं फिर बनते हैं, फिर टूटते हैं फिर बनते हैं। कई कई बार एक दूसरे को लोग जो है अकेला कर देते हैं। समझो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उस वक्त ये नहीं दिखेंगे, और उसी तरह उनके लाइफ में कभी प्रॉब्लम चल रही होगी तो आप फिर भी कोशिश करोगे, पर समटाइम्स आप भी नहीं रह पाओगे। तो एक दूसरे को जैसे कंप्लीट कर पाना आज की डेट में डिफिकल्ट है। तो ऐसा लग रहा है कि प्यार है
और सच्चा प्यार भी कह सकते हैं, पर ये आज की डेट का सच्चा सच्चा लव है, जिसमें आप ये समझ कर लगो कि रखो कि इस व्यक्ति पर आप निर्भर नहीं कर सकते, इस व्यक्ति से आप उम्मीदें नहीं रख सकते। जब कभी आप इनसे उम्मीदें रखोगे, फॉर एन एग्जाम्पल आप बीमार हो और आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये व्यक्ति बिना बोले ही आपको, बोलते ना, एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे या VIP ट्रीटमेंट दे या आपको बेटर फील कराए, आप उसी दिन देखोगे कि बिना वजह या तो आपकी लड़ाई हो जाएगी या बात नहीं करेंगे या कुछ ना कुछ तरीके से हर्ट कर देंगे, और आपको लगेगा कि यार एक तो पहले ही बीमार हूँ, ऊपर से ये इंसान मेरी केयर भी नहीं कर रहा। सो ये चीज़ें ज़्यादा होती होंगी। इस इंसान से डील करना है, जिस व्यक्ति से, ये लड़का लड़की जो भी है जिनसे आप डील कर रहे हो ना, इस इंसान को लेकर मैं कहूँगी कि हमेशा इस बात में याद रखना कि इनके साथ आप तभी खुश रह पाओगे जब आपके एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं होंगी। जब कभी आप इनसे उम्मीदें रखोगे आप बहुत हर्ट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये आज के टाइम का ट्रू लव है इनका, मतलब ये वो ज़माने वाला ट्रू लव नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव दिखाई दे रहे हो, आपकी सोच में बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट एनर्जी है, आप एक ओल्ड सोल हो, पर आपके पार्टनर ओल्ड सोल नहीं दिखाई दे रहे। सो कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा होगा कि एक्सपेक्टेशंस हर्ट होंगी, तो आप मेंटली अपने माइंडसेट को इस चीज़ के लिए रेडी रखा करो। ये व्यक्ति आपकी वजह से अपनी लाइफ में ग्रो बहुत हुए हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये बात ये मानते भी हैं, इनको लगता है इनकी लाइफ में जो इनको सक्सेस मिली है, फाइनेंस मिला है या एक मेच्योरिटी आ गई कमाने की, पैसों को सेव करने की, तो वो आपके वजह से आई है। आपने इस व्यक्ति को ना बहुत पावरफुल बनाया, और आप उन लोगों में से हो जिसने इनको फैमिली में साथ में रहना सिखाया, कि फैमिली में एकजुट होकर कैसा रहना है, फैमिली में एकजुट होकर कैसे सबको प्यार देना है, सबका सबका साथ देना है। आपने इनको फैमिली ओरिएंटेड बनाया है। बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा चंचल स्वभाव के और लाइक होता है ना कि फ्री विल या फ्री माइंडसेट वाले इंसान थे, या बंदी थी या बंदा था, जिसको अपने अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पे पसंद है, बट आपने इनको केयर करना सिखाया, फैमिली पे फोकस करना सिखाया, या कहीं ना कहीं आपने इनको कई बार याद दिलाया कि यार तुम्हारे पेरेंट्स के लिए तुम ये चीज़ कर लो या ये ले जाओ, अच्छा रहेगा। समटाइम्स हो सकता है ये मैरिड है, तो शायद आपने इनके पति पत्नी के लिए इनको याद दिलाया कि यार तुमको उनके साथ घूमने जाना चाहिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। बेसिकली आप इनको काफ़ी ज़्यादा एक बोलते ना कि एक स्टेबल व्यक्ति बनाने में सक्षम रहे, और ये बात ये ज़रूर मानते हैं, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इनको संभालते रहे और समझाते रहे, जो भी आज ये बने हैं उसमें आपका बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान है। इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके साथ ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, और इन दिनों हो सकता है कि ये व्यक्ति अभी रिसेंट में ही कहीं अकेले बहुत बार ट्रैवल करके आए हैं या आई हैं, मतलब अकेले कोई ट्रैवलिंग हुई है, या ये ट्रैवलिंग फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है हुई है, बट ये ट्रैवलिंग के दौरान ये आपको बहुत याद कर रहे थे, और ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति को आपके साथ ट्रैवल करना बहुत पसंद है, या तो ये आपके साथ कहीं ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं, और इनको आपसे बातें करना बहुत पसंद है। ये आपसे घंटों बातें कर सकते हैं पर ये बोर नहीं होंगे, लाइक इस तरीके की एनर्जी कि ये आपके साथ कम्युनिकेशन को बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि आप बहुत इंटरेस्ट से उनकी कम्युनिकेशन को सुनते भी हो, और कहीं ना कहीं उसी कम्युनिकेशन को आप आगे कंटिन्यू भी करते हो, आगे भी लेके जाते हो, तो ये इनका इंटरेस्ट लेवल बढ़ा देता है। इस व्यक्ति का आपकी तरफ हाईली अट्रैक्शन है, आप चाहे ना चाहे, भले आप सुंदर दिखते हो नहीं दिखते हो, वैसे तो मेरी नज़र में हर इंसान हर व्यक्ति सुंदर है, बहुत ही हैंडसम और बहुत ही हॉट होते हैं, लेकिन ये आपकी अपनी मेंटालिटी हो सकती है कि आप अपने आप को किस लेवल पे लेते हो, इसलिए मैंने कहा कि आप देखो आप अपने आप को कैसे सोचते हो। बट इस इंसान के लिए आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो, काफ़ी ज़्यादा ये आपके प्रति काफ़ी अट्रैक्टेड है, और मतलब ऐसा लगो कि ऐसा समझ लो कि इस इंसान का आपसे एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें चाहे इनके सामने ऐश्वर्या राय रख लो, सलमान खान रख लो, या ऋतिक रोशन रख लो, या कोई भी रख लो, इनकी नज़र में आपका औहदा अट्रैक्शन के मामले में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब भले इन्होंने, मैं अगेन ये बात क्यों कह रही हूँ कि कुछ लोग इस चीज़ के साथ बोलते हैं ना रिलेट ना कर पाए, क्योंकि कुछ लोग बहुत खुद को कम महसूस करना शुरू कर देते हैं, कम समझते हैं, बट मैं आपको एक बात बता देती हूँ, भले आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपको बिट्रे किया किसी व्यक्ति के लिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या कोई वजह होगी, या हो सकता है एक कोई गलती हुई है, लेकिन स्टिल ये व्यक्ति आपके प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड है मोर देन एनी वन एल्स। ये इंसान किसी भी तीसरे व्यक्ति से ज़्यादा आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे अट्रैक्टेड ज़्यादा हैं, और आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड में ज़्यादा है। इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके साथ डेस्टाइन कनेक्शन है, और ये कहीं ना कहीं ये भी फील करते हैं आपको लेकर, इनके मन में जलसी या इनसिक्योरिटी भी बहुत है, ये आपका ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं कर पाते, ये आज भी वैसे ही हैं। अगर आपको ये ज़्यादा सोशलाइज देखते हैं या एक्टिव देखते हैं, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक या कहीं पे भी, या आपको बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, या आप किसी के कमेंट्स का रिस्पॉन्ड करते हो, या फॉर एन एग्जाम्पल आप कोई फोटो या DP लगा रहे हो, ये बहुत जलस हो जाते हैं, इनको ये पसंद नहीं है, इनको लगता है आप ज़्यादा किसी से बात करो ये इनको अच्छा नहीं लगता, चाहे वो आपके फैमिली के लोग क्यों ना हो, ये आपको पसंद नहीं करते इन मामलों में। आज भी आपको लेकर बहुत इनसिक्योरिटी रखते हैं, और पॉजिटिव लवर है, बहुत पॉजिटिव लवर है, ऐसा लगता है कि जैसे ये व्यक्ति
सिर्फ ये एक बोलते ना डिमांड रखते हैं कि सिर्फ मेरे हो और मेरे मेरे तरफ ही देखना है और किसी की तरफ नहीं देखो, फिर भले शायद खुद गलतियां दस करते हो लेकिन इनकी जलसी बहुत ज़्यादा है, आपको ये किसी से भी शेयर करना पसंद नहीं करते, और ये किसी से का मतलब आपके भाई बहन भी हो ना तब भी ये पसंद नहीं करते आपका उनसे भी ज़्यादा बात करना, जल्दी जलसी आ जाती है, या आप अपने फैमिली के साथ भी कहीं घूमते फिरते हो तो ये जलस हो जाते हैं एकदम से, तो ये एक प्रॉब्लम ज़रूर मुझे इनकी तरफ से दिख रही है, पजेसिव लवर की निशानी है ये। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आप लोगों को अगर रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं, उसके अलावा आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के ठीक नीचे चेक कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग डिटेल्स चाहिए या आपको ब्रेसलेट रिलेटेड आपके सामने स्क्रीन पे है आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।